हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये दूसरा दिन है, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा बादल है और मौसम अच्छा हुआ है और बारिश हुई हुई है, तो मौसम ठंडा ठंडा हुआ हुआ है। तो अभी मैं जाके जैकेट पहनूंगा, तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। सामान वगैरह पैक कर लिया हमने और मोटरसाइकिल पर भी बांध रहे हैं, तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। नाश्ता जी आमलेट अंडा और पराठा था और चाय थी। तो ये सिंपल सा नाश्ता करने के बाद जो हम अपने रूम में चले गए और सामान वगैरह सारा समेट के रूम बंद करके, तो लिफ्ट में रख लिया था सामान हमने। तो अभी बाइक पे सामान वगैरह बांध के तो आगे इंशाल्लाह निकलेंगे एवटा बामन सेरा नारंगकान के लिए। भाई सामान पैक कर रहे हैं अभी, तो बारिश अभी थमने का भाई है ना, भाई नाम ही नहीं ले रही। इंशाल्लाह फिर निकलने का पूरा इरादा। सही, सामान जी हमारा सारा पैक हो चुका है और बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमने ये कवर कर लिया है सारा सामान। मैंने भी कवर कर लिया, अब इंशाल्लाह गीला नहीं होगा हमारे कपड़े वगैरह। तो ये जो कपड़े पहने हैं मेरे गीले हो जाएंगे। इन भाइयों के पास इनका लिबास है तो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा मैंने बारिश इंजॉय करनी। ये चीज है हरिपुर में स्टे किया था, कुछ अशे वगैरह लेने थे स्मार्ट से, तो वो चीज़ें वगैरह ले ली हैं, ये बैग में बांध दी हैं। तो आगे हमारा कैंपिंग का सीन है, तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है चीज़ों की, बहुत चीज़ें ले ली हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं आगे एटाबाद है, फिर मानसेरा, फिर आगे नारंगकान। इंशाल्लाह होप है कि आज पहुँच जाएंगे। हरिपुर से जी हमने लिए हैं नूडल्स वगैरह और सूखा दूध, पत्ती, घी, मिर्च, ऐसी चीज़ें हमने ली हैं जो कि हमारे कैंपिंग में काम आए। तो ये हमने पीछे से इसलिए नहीं लेके आए थे कि सामान जो है बहुत बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि यहाँ से ले लें, पता नहीं आगे से मिलेगा कि नहीं। तो हमने ये हरिपुर बेस्ट अड्डा था जहाँ से हमने ये सारा सामान लिया है। तो अभी हम इंशाल्लाह आगे निकल गए हैं एबटाबाद की जानब। तो ये आप सीनरी देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, कितने खूबसूरत रोड्स हैं, तो बड़ा मज़ा है यहाँ पे बाइक चलाने का। तो रास्ते में एबटाबाद आएगा, फिर आएगा मानसेरा, फिर हमारी कोशिश होगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर सकें उतना तय करके, तो वहाँ पे हम अपना रेस्ट करेंगे। अभी हमें कुछ मालूम नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँच सकेंगे, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर क्लॉक करें।
तो ये है जी एबटाबाद का बाजार। हम एबटाबाद पहुंच चुके हैं। तो एबटाबाद पहुंच के जी मुझे लगा है कि काफी ज्यादा ये डेवलप्ड हो गया है। तो ये जो डबल मेन रोड है, मुझे शक है कि हम इसी मेन रोड पे सफर किया था मैंने कुछ 7-8 साल पहले। तब ये मेन रोड इस तरह की नहीं थी जो आज है। तो काफी चेंज हो गया वैसे एबटाबाद। अभी हम जी बालाकोट पहुंच चुके हैं। तो आगे हमारा स्टे कहाँ होगा नी भाई? आई थिंक शुगरा में। हम देखेंगे, मेरा हमारा हमारी कोशिश है कि शुगरा में हमारा स्टे हो और वहाँ हम कैंप लगाएंगे। तो यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत मंजर आपको दिखाने लगा हूँ। ये दरिया साहब बह रहा है नी भाई। दरिया कौन सा? ये कन्हार। दरिया कन्हार। तो ये दरिया कन्हार है, ये नीचे बह रहा है। आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है, पहाड़ियाँ और सामने लोगों का इलाका है। हम केवाई पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये आबशार है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुझे तो सर्दी लग रही है, तो मैं अभी निकलूंगा अपनी जैकेट पहन लूंगा। तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, पानी भी ठंडा होगा, इसलिए हम इधर बैठ गए क्योंकि हम बाइक्स पे हैं तो हमें सर्दी ज़्यादा लगेगी। गाड़ी में हम आए नहीं हैं। तो अभी हमने जाना है शुगरा, शुगरा फिर जाके हम अपना कैंप इंशाल्लाह लगा के तो वहाँ पे नाइट नाइट स्पेंड करते हैं। केवाई से खाना वगैरह खाने के बाद हम निकल पड़े हैं शुगरा की तरफ। तो ये रास्ता है जो हम जा रहे हैं, ये जाता है शोगना की तरफ। तो एक जाती है जी नारायण रोड, तो उससे पहले ऊपर की तरफ ये चढ़ाई जाती है जो शोगना की तरफ जाती है। तो ये रास्ता भी काफी ऐसे टूटा फूटा भी है बीच में, और बीच में अच्छी साफ सड़क भी आ जाती है कभी कभी। तो ये इसी तरह का रास्ता है। तो हमारा जो प्लान था वो आगे जाने का था, लेकिन रात होने की वजह से हम शोगना जो है वो हमने स्टॉप कर लिया। तो हमारा ये भी था कि हमने रात का जो सफर है वो नहीं करना, तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि हम शोगरा जो है वहां पे अपना कैंप लगा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि शोगरा में काफी ज्यादा होटल्स वगैरह है जहाँ में टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं और ठहरते हैं, और फिर सुबह के वक्त वो निकल जाते हैं सीरी पाए। सीरी पाए का जो रास्ता है वो ऑफ रोड रास्ता है सारा, तो वहां पे आम गाड़ी है जो वो नहीं जा सकती। इस रास्ते पे तो आप देख सकते हैं आम गाड़ी भी जा सकती है। तो वो जो सीढ़ी पैक रास्ता है उस पर आम गाड़ी तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते ले जाने का। तो वहां पे सिर्फ जो यहाँ की इलाके जीप्स होती हैं 4x4, तो वो ही जा सकती हैं, और वो भी ड्राइवर जो हो तजर्बा कार वो लेके जा सकता है। तो कोई आम बंदे की बात नहीं है वो कि वो लेके जा सके वहां पे। शुगरा में हमें किसी भी होटल वाले ने कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी, तो फिर हमने सोचा कि सीढ़ी पैक चले जाएं क्योंकि वहां पे कैंप लगाने की सहूलत मौजूद है। तो हमने फिर रात सिरीपाए का सफर किया। तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सिरीपाए का जो ट्रैक है वर्कआउट नहीं कर सका। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी सिरीपाए। तो शुगरा हम रुके थे तो वहां हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हम अब रात को सिरीपाए पहुंच चुके हैं, तो कैंप लगा लिया हमने। तो बाहर चूल्हा जल रहा है, चाय पीने लगे हैं अभी। तो नूडल्स का दिल कर रहा था मेरा, लेकिन रात सोना भी है तो अभी नूडल्स नहीं बनाएंगे। तो आज की वीडियो तो यहीं तक है। इंशाल्लाह सुबह मैं दिखाऊंगा आपको कैसा मंजर है बाहर, क्या व्यू है बाहर का। तो मेरे कोशिश होगी सुबह टाइम पे उठूं और आपको चलो। तो मेरी कोशिश है कि सुबह जल्दी उठूं और आपको सनराइज दिखाऊं। अगर ना हो सका तो माजरत है, थकावट तो हो चुकी है, लेकिन ये भी एक एडवेंचर है कैंप में बैठे गए। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये भाई तंग आए हुए मेरे से, तब तक ये अल्लाह हाफिज़।